मैंने भी हिंडाल को पर रिकमेंडेशन दी थी और एक अच्छा ट्रेड उसमें आते हुए देखने मिल रहा है. सो थैंक्स. एंड एम्फेसिस फ्यूचर्स खरीदारी करने की सलाह है 2617-2618 के रेंज में. एल जी एम्फेसिस का फ्यूचर्स ये यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है. यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो रहेगा 2565 पर, 2565 यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए. मेजर कोई हर्डल एल जी मुझे नजर नहीं आ रहा है 2730 रुपए तक. सो 2730 मेरा पहला टारगेट रहेगा, 2780 का दूसरा टारगेट रहेगा. ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे एम्फेसिस. अच्छा खासा कंसोलिडेशन एनर्जी यहाँ पे आते हुए देखने मिला है. आईटी स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया है, अच्छे अपवर्ड मोमेंटम में. आईटी एनर्जी मुझे याद है एक दो महीने पहले आपने बहुत ही जोर से रेकमेंड किया था, तब मैंने भी कहा था और आईटी बीस भी रेकमेंड किए थे हमने और लगभग 33-34 के आसपास थे आईटी बीस, अब तो 40 के आसपास हो गए. यहाँ पे फ्रेश एक बुलिश क्रॉस ओवर भी उसके मोमेंटम इंडिकेटर्स में एनर्जी देखने मिल रहा है. एंड क्लियर कट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी अब फिर से यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप होते हुए देखने मिलेगा. ये है आपके लिए एम्फेसिस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय. 2565 का स्टॉप लॉस लगाएं, 2730 और 2780 के टारगेट के लिए.